आपने वियाग्रा का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, किसी के मुंह से, किसी किताब में या किसी मेडिकल से संबंधित वार्ता और सेक्स से जुड़ी बातों में अक्सर इसका जिक्र किया जाता है। वियाग्रा एक तरह की टैबलेट का नाम है जिसको दुनिया भर में कई कंपनियां बनाती हैं। लोग इसको सेक्स टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। वियाग्रा टैबलेट महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग होती है, जो कि आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के करें। महिलाओं को छोड़ दें तो पुरुषों में वियाग्रा से जुड़ी कई सवाल होते हैं जिनके जवाब वह जानना चाहते हैं। तो आप अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वियाग्रा टैबलेट क्या होता है। वियाग्रा एक दवा का नाम है जो सेक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोगों को अक्सर यह लगता है कि वियाग्रा एक कंपनी का नाम है, जो गलत है। यह दवा चिकित्सा क्षेत्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। वियाग्रा नीले रंग की हीरे के आकार की एक दवा है, जिसे शुरू में हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना पेक्टोरिस के इलाज में किया जाता था, पर अब यह दवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह नपुंसकता की परेशानी का इलाज करने के लिए काम में ली जाती है। वियाग्रा का इस्तेमाल दुनिया भर में पुरुषों के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। वियाग्रा कुछ नहीं बल्कि सिल्डेनाफिल सैटरेट ही है। इसे देसी वियाग्रा के नाम से जाना जाता है। सिल्डेनाफिल सैटरेट टैबलेट को हिंदी में देसी वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि वियाग्रा किस लिए इस्तेमाल की जाती है। वियाग्रा को बनाने वाला ब्रांड फाइजर है। इसमें सिल्डेनाफिल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंस जैसी समस्याओं का उपचार करता है। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल यौन शक्ति को बढ़ाने, ज़्यादा देर तक यौन संबंध बनाने, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए काम में लेते हैं। वियाग्रा किस तरह प्रयोग की जाती है। वियाग्रा को खाने से आधा घंटे पहले या फिर खाने के 2 घंटों के बाद ही ली जाती है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। वियाग्रा का असर करीब 4 से 5 घंटे तक शरीर में बना रहता है। वियाग्रा का इस्तेमाल सिर्फ पुरुषों को ही करना चाहिए, हालांकि महिलाओं के लिए भी इस तरह की दवाएं बाजार में उपलब्ध है, पर वियाग्रा पुरुषों के लिए ही होती है। महिलाओं में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता जैसी परेशानियां नहीं होती है, इसलिए यह पूरी तरह से पुरुषों के इस्तेमाल के लिए ही बनी हुई है। अब सवाल आता है कि महिलाओं के वियाग्रा टैबलेट अलग है। इसका जवाब है हाँ, महिलाओं के लिए वियाग्रा की अलग टैबलेट आती है, जो पुरुषों की दवा के मुताबिक अलग होती है। इस दवा को फिलबैनसेरिस पिल कहा जाता है। इस दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। यह दवा उन महिलाओं के लिए बेहतर साबित होती है जिनके कामेच्छा में कमी आ रही हो और सेक्स के प्रति रुचि या उत्तेजना कम हो रही हो, लेकिन इन सभी को बढ़ाने के लिए इसका अधिक सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। महिलाओं के वियाग्रा टैबलेट न्यूरोट्रांसमीटर में प्रवेश करके उत्तेजना को बढ़ा देती है, जिससे महिलाओं की सेक्स के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। इस दवा को डॉक्टर की सलाह पर रात को सोने से पहले खानी चाहिए। वियाग्रा किस तरह से शरीर में काम करती है। वियाग्रा में सिल्डेनाफिल नाम का सक्रिय तत्व शरीर की रक्तवाहिकाओं में मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे शरीर के कुछ क्षेत्रों में जैसे लिंग में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह बेहतर रक्त प्रवाह इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित पुरुषों को स्वस्थ और लंबे समय तक सेक्स के दौरान बनाए रखने में मदद करता है। पर यह गोली तभी काम करती है जब उपयोगकर्ता पहले से ही यौन उत्तेजित हो। वियाग्रा टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो वियाग्रा टेबलेट के फायदों के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों में इस दवा का बुरा असर होने लगता है, इससे कुछ समस्या या परेशानी होने लगती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही वियाग्रा टैबलेट का सेवन करना चाहिए। वियाग्रा टैबलेट के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, आंखों की दृष्टि का कम होना, अधिक गर्मी लगना, ज़्यादा पसीना आना इत्यादि। वियाग्रा के फायदे क्या हैं। तो वियाग्रा के फायदे भी बहुत स्थिति में देखे जाते हैं, जैसे याददाश्त बढ़ाने में भी मदद कर सकता है यह दवा। कई सारे शोध में यह पता चलता है कि
व्याग्रा का सेवन पुरुषों में याददाश्त बढ़ाने का काम करता है। यह डेमेंशिया की परेशानी को शुरुआत में ही रोकने का काम करती है। लंदन की सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने एक शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि व्याग्रा का सेवन करने से दिमाग से जुड़ी रोग ठीक किए जा सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यह उच्च रक्तचाप का ही एक प्रकार है। इसको दूर करने के लिए भी व्याग्रा का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाले असहनीय दर्द को कम करने में भी यह दवा काम आती है। बेली फैट कम करने में। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों में बेली फैट देखा गया है, जिसका पेट बाहर आ गया होता है, तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए भी व्याग्रा टैबलेट को यूज कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें कि आप इस दवा का जब भी सेवन करें अपने डॉक्टर के सलाह से ही करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना व्याग्रा टैबलेट के अनेक फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान के बारे में भी। आशा करता हूँ आज के टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इससे हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।